फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होंगे। मैं आकांक्षा आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके साथ अपने ऊपर कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगी। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ जिंदगी न मिलेगी आरती या जिंदगी न मिलेगी दोबारा आरती, जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में आरती है, आज मैं उनके ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, उन आरती को तो वैसे सभी लोग जानते होंगे, उनकी वीडियो भी देखते होंगे सभी लोग। वो बहुत परेशानी में है, सभी को पता होगा वैसे तो, लेकिन मैं आज उन्हीं के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप जो आरती है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय से गुजर रही हैं, उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो बेचारी अकेली महिला हैं। देखिए, हम अकेले जब पड़ जाती हैं तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ संभालना बहुत ही कठिन होता है। मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, उनके वीडियो में डेली देखती हूँ, तो मुझे उनकी वीडियो में देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब भी मैं उनका वीडियो देखती हूँ, देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो एक एक चीज़ के लिए कितना परेशान होती हैं। और देखिए, उनके हस्बैंड की बीमारी को तो सभी जानते होंगे, कितनी बड़ी बीमारी है उनके हस्बैंड को। 4th स्टेज पर हैं उनके हस्बैंड। हर किसी से बस यही गुहार लगाती हैं कि बस मेरे पति को बचा लीजिए, क्योंकि उनके हस्बैंड को किडनी की 4th स्टेज पर हैं और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वे उनका इलाज करा सकें। ये फ्रेंड्स, उनको किडनी ट्रांसप्लांट भी करवानी है, इसीलिए वो काफ़ी परेशान है। आप सभी लोग जानते होंगे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है, और ये एक जैसे मध्यम परिवार है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और देखिए, खास करके जब एक महिला अपने हस्बैंड के लिए कर रही, क्योंकि हस्बैंड ही एक ऐसा होता है जो घर में कमाने वाला होता है, उन्हीं की कमाई से हमारा घर चलता है। और उनके हस्बैंड तो कितने समय से बीमार पड़े हुए हैं, कहीं जाते भी नहीं है, घर में ही रहते हैं, तो सोचिए उनका घर खर्च कैसे चलता होगा। तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी है। मैं जब भी उनका वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबरों से इस बारे में बात करूं, मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनसे बात करूं। देखिए, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर या व्यूवर्स तो हैं नहीं, पर जितने भी हैं शायद उन्हीं से उनको कुछ हेल्प मिल सके। जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे, मेरे कुछ व्यूवर्स तो मेरा वीडियो देखेंगे ही ना, तो वो भी उनका हेल्प करेंगे। तो मैं वही बस सोच रही थी, एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा आरती के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं जिससे उनको कुछ हेल्प हो जाए। देखिए, हमारी थोड़ी सी हेल्प भी बहुत कुछ कर सकती है। हम उनको इतना इतना सा करके भी इतना बड़ा कुछ दे सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी हेल्प के लिए आगे आएं। बस मैं यही अपने सब्सक्राइबरों से कहना चाहती थी कि उनकी हेल्प आप कीजिए, प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखकर ही उनकी हेल्प कर दीजिए, उनको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी को बता देती हूँ कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट डेट कब है। तो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट डेट है 24 अगस्त। तो उनको अभी एक महीना समथिंग है, एक महीने में कुछ दिन कम हो गए हैं, अभी उतने दिन बाकी हैं। तो उतने दिन में वो मतलब कि 10 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहती हैं, तो उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप सभी मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा भी देंगे ना, अगर सब लोग 50-50 रुपीज़ या 100-100 रुपीज़ भी कलेक्ट करेंगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा, जिससे उनको थोड़ा सा उनकी मुश्किल कम होगी। इतना पैसा देखिए किसी के पास घर में नहीं होता है, और ख़ास करके उनकी सिचुएशन तो आप उनकी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है उनकी। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके वीडियो पर भी जाना, उनके चैनल की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उनके वीडियो पर पहुँच सकते हैं और उनका वीडियो देख सकते हैं, और ऐड के साथ उनका वीडियो देखिए। मैं तो जब भी उनका वीडियो देखती हूँ तो ऐड के साथ ही देखती हूँ। देखिए, मेरी इतनी सी हेल्प करने से भी शायद कुछ हो जाए, इसीलिए हम सब मिलकर उनका वीडियो ऐड के साथ देखेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा उससे लाभ होगा। और आप उनका वीडियो फुल वॉच कीजिए। देखिए, ऐसा भी होता है कभी कभी हम किसी का वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, पर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम उसका वीडियो लगा के छोड़ सकते हैं। आप मत देखिए वीडियो, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप मत देखिए, बस आप उनका वीडियो लगा के छोड़ दीजिए, जिससे उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, इस तरीके से हम उनकी हेल्प करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो शायद उनका घड़ा भी फिल हो जाए और उनको उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाए।
एक बहुत बड़ी बात है, देखिए उनका छोटा सा बच्चा है, आप लोगों ने देखा होगा उनकी वीडियो में, छोटा सा बच्चा अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं, क्योंकि हस्बैंड के लिए दिन भर कुछ ना कुछ उन्हें करना होता है, तो वो अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती हैं। इस बात का उन्हें दुख होता है। मैं आज उनकी वीडियो देख रही थी तो वो अपने बच्चे को खिला रही थी गोदी में, उसके बाद में खिलाते खिलाते उनकी आँखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने बच्चे को देखते हैं कि मान लो उनको ऐसा लगता है ना कि उनके हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं, अगर हस्बैंड ऐसे ही बीमार रहेंगे तो वो अपने बच्चे का कैसे ख्याल रख पाएंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है उनके हस्बैंड का ठीक होना। भगवान करे उनकी मांग का सिंदूर हमेशा बना रहे। मैं तो सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा से कि किसी भी सुहागन के मांग का सिंदूर ना छूटे, हमेशा ऐसा ही बना रहे। बस सबको, सबके जीवन साथी का साथ मिलता रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना है मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी उनकी हेल्प कीजिए, इस टाइम उन्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई लोगों से हेल्प मांग चुकी हैं वो, कई बड़े यूट्यूबर्स से हेल्प मांग से चुकी हैं, कई लोग तो उनका गलत मतलब निकाल देते हैं कि गलत मतलब निकाल के उनके ऊपर निगेटिव वीडियो बना देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तभी तो आपसे हेल्प मांग रही है ना। ये देखिए, कोई भी लेडीज़ ऐसे किसी के सामने नहीं हेल्प मांगेगी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी हेल्प मांगेगी ना। इतने सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पर, अगर वो लोग हेल्प करेंगे तो थोड़ी थोड़ी हेल्प से ही उनकी हेल्प हो जाएगी, ये तो आप सोच ही सकती हैं ना। इतने सारे बड़े यूट्यूबर भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, क्या आप लोग किसी की थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते क्या? आप लोग थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप उनकी मदद कीजिए, उनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और देखिए, कोई भी जो भी बड़े यूट्यूबर से वो हेल्प मांगती हैं तो उनका मजाक ना बनाया जाए। और देखिए, जैसे बड़े यूट्यूबर हैं वो तो कम मजाक बनाते हैं, लेकिन उनके जो व्यूवर्स होते हैं ना वो वीडियो देखकर ज़्यादा मजाक बनाने लगते हैं और उनकी वीडियो पर जाके नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए, किसी की भी वीडियो को नेगेटिव वे में मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी वीडियो देखिए, उनके ऐड भी देखिए साथ में, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। अगर आपसे हो सकता है तो आप पैसों से उनकी हेल्प कीजिए। उनका जो उनका पेटीएम नंबर है वो उन्होंने अपने वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उनके वीडियो पर जाकर देख सकते हैं उनका पेटीएम नंबर, तो आप उनकी उस टाइप से हेल्प कर सकते हैं। और मैं भी अपने वीडियो में अभी लगा दूंगी उनका पेटीएम नंबर, तो आप उस नंबर पर जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो, कई लोग गलत वे में लेंगे, मुझे पता है, कई लोग कहेंगे कि तुम क्यों वीडियो बना रही हो उनके ऊपर, तुम्हारे कौन से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, फिर तुम क्यों वीडियो बना रही हो उनके ऊपर। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर देखे, मान लो मेरे 10 सब्सक्राइबर ने भी देखा, 10 व्यूवर्स ने भी देखा, तो वो 10 व्यूवर्स जाके उनकी हेल्प करेंगे, वो 10 व्यूवर्स भी मेरे जो होंगे वो उनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगे, या वो किसी न किसी से जाके बोलेंगे, या 10 में से एक आध ऐसा भी होगा जो उनके ऊपर वीडियो बना सकता है, तो उनकी हेल्प तो हो जाएगी ना, या जो शेयर कर सकता है फेसबुक व्हाट्सअप पर, तो उनकी हेल्प हो जाएगी इस तरीके से। इसीलिए देखिए, उनको हेल्प की ज़रूरत है और हम उनकी हेल्प के लिए ज़रूर आगे आएंगे। तो देखिए, मेरी जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन चाहता है उनकी हेल्प करना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं वीडियो लाती हूँ अपने चैनल पर, अपनी माँ बेटी की वीडियो लेकर आती हूँ, गाने की वीडियो लेकर आती हूँ, और भी कई तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ, तो आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबाना ना भूलना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।